हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी बच्चों के लिए जो नीट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। 112 नए मेडिकल कॉलेज संभवतः 2024 में आपको नए मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ नंबरिंग ही कम हो जाए, बट एक बड़ा नंबर तो आपको फिर भी मिलेगा कि आपको काफ़ी सीट्स मिलेंगी। अगर आप गवर्नमेंट सीट की बात करें तो लगभग 6,000 और प्राइवेट नियर अबाउट 8,500 के आसपास। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के बात करें तो अप्रोक्स 14,500 के आसपास सीट इंक्रीज हो रहे हैं। इससे कट ऑफ में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं स्टेट वाइज आपको बता देता हूँ, यूपी में 13 गवर्नमेंट, 8 प्राइवेट। आंध्रा की बात करेंगे तो 6 गवर्नमेंट, 1 प्राइवेट। असम 1 गवर्नमेंट, बिहार 2 प्राइवेट, छत्तीसगढ़ 2 प्राइवेट, गुजरात 2 प्राइवेट, हरियाणा में 1 गवर्नमेंट। कर्नाटका की बात करेंगे तो 4 प्राइवेट 1 गवर्नमेंट, केरला 1 प्राइवेट, मध्य प्रदेश 5 गवर्नमेंट और 3 आपका मध्य प्रदेश में प्राइवेट है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 11 गवर्नमेंट एंड 5 आपका प्राइवेट है। मेघालय में 1 गवर्नमेंट कॉलेज है। न्यू दिल्ली में भी एक नया प्राइवेट कॉलेज आ रहा है। उड़ीसा में 2 गवर्नमेंट और 1 प्राइवेट, पंजाब में 1 प्राइवेट, राजस्थान में 4 गवर्नमेंट और 7 प्राइवेट, सिक्किम की बात करेंगे तो 1 गवर्नमेंट, तमिलनाडु में 1 गवर्नमेंट और 4 प्राइवेट, तेलंगाना में 8 गवर्नमेंट और 3 प्राइवेट, त्रिपुरा की बात करेंगे तो 1 गवर्नमेंट, उत्तराखंड की बात करेंगे तो 1 गवर्नमेंट 2 प्राइवेट, वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो वहां पर केवल 8 प्राइवेट कॉलेज आ रहे हैं। तो ये स्टेट वाइज मैंने आपको बताया हुआ है। अब असली बात कर लेते हैं कि कट ऑफ बताया हुआ है अब असली बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सामने मैंने पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्ट्रे एंड मॉपअप, स्ट्रे एंड स्पेशल स्ट्रे। तो हम लोग लास्ट तक देख लेते हैं। अगर आप स्पेशल स्ट्रे की बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी को स्कोर के अकॉर्डिंग 610 और रैंक के अकॉर्डिंग 23,674, ओबीसी को 23,675, ईडब्ल्यूएस 25,000 और 13 स्कोर के अकॉर्डिंग 603, एससी को 1,29,000 480, एसटी को 1,69,000 445 इस स्कोर पे कॉलेज मिला था। अब अगर आप 2024 एमसीसी काउंसलिंग की बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स जो हो सकता है, काफी लोगों का ये भी सवाल है कि यहाँ पे फॉर्म भी ज्यादा बच्चों ने भरे हैं, पर फ्रेंड्स जो मिनिमम कट ऑफ होता है, जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होता है, उसका फर्क केवल वहां पे पड़ता है जब ज्यादा फॉर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल 137 लास्ट ईयर कट ऑफ था, वो हो सकता है बढ़ सकता है, 150 हो सकता है, 155 हो सकता है, 160 हो सकता है। बट जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ है वो मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है। अगर आप बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, तो नियर अबाउट आप मान सकते हैं 100% कि 28,000 तक उनको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी पड़ती है, कि स्कोर का नहीं पता है कि पेपर टफ आएगा सिंपल आएगा। तो आप मान सकते हैं कि जनरल और ओबीसी को 28,000 तक ऑल इंडिया में 100% सीट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस को नियर अबाउट 30,000 तक 100% सीट मिलेगी। एससी की बात करेंगे तो 1,40,000 तक 100% सीट मिलेगी, और अगर एसटी की बात करेंगे तो लगभग 1,80,000 या 85,000 तक 100% आपको ऑल इंडिया में सीट मिलेगी। तो फ्रेंड, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।